मुशायरे के इस को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी अपनी सहयोगी श्वेता सिंह को। बहुत कम जगहें ऐसी होती हैं जहां पर, बहुत कम मंच ऐसे होते हैं जहां पर आप शब्द को बहुत तोलते हैं फिर भी कोई शब्द उतना वजनी लगता नहीं है। जब ऐसी ऐसी शख्सियतें हमारे साथ यहां पर मंच पर होती हैं। मैं शुरुआत करूंगी तो देश के ताज से ही शुरू करती हूं। मैं कश्मीर से शुरू करती हूं क्योंकि दिल्ली की जो ठंडक होती है ना, वो भी कश्मीर में बर्फबारी होती है, ठंडी हवाएं वहां से चलती हैं, दिल्ली में ठंडक आ जाती है। तो इस मंच पर भी सबसे पहले ठंडक के लिए मैं लियाकत जाफरी जी को बुलाऊं। आइए आइए। शुक्रिया श्वेता जी। जिन लोगों की मौजूदगी में कलाम पढ़ने की जुर्रत कर रहा हूं, ये हेलो, मैं कश्मीर से हूं, मेरी आवाज यूं भी आपको सुनाई नहीं देगी। जी अब ठीक है, एक घंटे में 8 लोगों ने कलाम पढ़ना है। अगर आपको मिनटों के साथ ज़र्ब करेंगे तो 5 से 7 मिनट मिलते हैं हर एक को। तो मैं बगैर किसी ताखीर के अपना सिलसिला शुरू करता हूँ। दर्द ने
मीर तकी मीर बना रखा था। दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। हाय अफसोस कि किस तेजी से दुनिया बदली, हाय अफसोस कि किस तेजी से दुनिया बदली। ये जो सच है ये कभी झूठ हुआ करता था। हाय अफसोस के किस तेजी से दुनिया बदली। ये जो सच है ये कभी झूठ हुआ करता था। और जैसी ऑडियंस है, जैसा आपका मिजाज है, उस तरफ आते हुए, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना। आलोक भाई, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना दुश्वार है एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत करना। श्वेता जी, ये मतलब कमाल की बात है। कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना। अगर आप ऐसे सोचे कि बीइंग अ लियाकत जाफरी कश्मीरी, मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं, अब आप शेर सुनिए। कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत करना। जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। जिसको तुम चाहो, श्वेता जी, आप 2019 में हमारा वोट ले सकते थे। जिसको तुम चाहो कोई और ना चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। सुरमई आंख, हसी जिस्म, गुलाबी चेहरा। सुरमई आंख, हसी जिस्म, गुलाबी चेहरा, इसको कहते हैं किताबत पे किताबत करना। इसको कहते हैं किताबत पे किताबत करना। दिल की तख्ती पे भी आयात लिखी रहती हैं, दिल की तख्ती पे भी आयात लिखी रहती हैं, वक्त मिल जाए तो उनकी भी तिलावत करना। वक्त मिल जाए तो उनकी भी तिलावत करना। और चार शेर, चार मिसरे सुनिए कि बढ़ा कर हाथ सारी हद मिटा दे। राहत सर, बढ़ाकर हाथ सारी हद मिटा दे, जमीनों के कुशादा कद मिटा दे। बढ़ाकर हाथ सारी हद मिटा दे, जमीनों के कुशादा कद मिटा दे। कभी बच्चे को नक्शा मत दिखाना, न जाने कौन सी सरहद मिटा दे। कभी बच्चे को नक्शा मत दिखाना, न जाने कौन सी सरहद मिटा दे। मेरे हिस्से के 2-3 मिनट रह गए, उसमें एक गजल और इजाजत। अजीब लोग थे, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। तितलियां बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए वो अजीब थे। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। वही बनाते थे
लोहे को तोड़कर ताला, वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर उसके बाद वही चाबियां बनाते थे, वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, वही चाबियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। मेरे ख्याल इसी पैगाम के साथ इजाजत, खुदा हाफिज़। अब मैं जिन्हें यहां पर मंच पर आकर हम सबसे रूबरू होने के लिए कहूंगी, वो ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी से फिल्मों की जो कहानी है वो बदल जाती है। पिंक में उन्हें सुना, अक्टूबर मेरा ख्याल है उस फिल्म में भी सुना, तनवीर गाजी। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों ने साबित कर दिया कि आज भी वाकई दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। बहुत बड़े लोगों को हमको सुनना है तो बहुत कम वक्त लूँगा। साउथ अफ्रीका के एक शहर जोहान्सबर्ग में मेरे परफॉर्मेंस के बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि आज दुनिया में हर तरफ नफ़रत है, जुल्म है, आतंकवाद है, आप मोहब्बत की बात करते हैं। मैंने कहा कि वो लोग हथियार बना रहे हैं, मैं फूल बांट रहा हूँ। वो दुनिया को बदसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए थोड़ी मोहब्बत की बात करते हैं। एक बतला दो, जिस तरह मोहब्बत से सुन रहे सुनने के, उसकी दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। जुड़ जाएं जितने लोग हैं, दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। दुखी मौसम में, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई, तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था, जहाँ थे शब्द उस हिस्से पे हरियाली निकल आई। तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था, जहाँ थे शब्द उस हिस्से पे हरियाली निकल आई, उसकी मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है, नाव में बैठ के, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी, गांव में बैठ के। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया दोस्त। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है, जलते रहना सदा इसकी तकदीर है, जलते रहना सदा इसकी तकदीर है, दिल मेरा एक छोटा सा कश्मीर है, जलते रहना सदा इसकी तकदीर है, दिल मेरा एक छोटा सा कश्मीर है, जिसने 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 लौटाई पीतल की पायल मुझे, उसके पैरों में सोने की जंजीर है, जिसने लौटाई पीतल की पायल मुझे, उसके पैरों में सोने की जंजीर है, उसके पैरों में सोने की जंजीर है, गर्म आंसू थम गए हैं उसके ठंडे गाल पर, गर्म आंसू थम गए हैं उसके ठंडे गाल पर,
कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रुमाल पर। गर्म आंसू थम गए हैं उसके ठंडे गाल पर। कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रुमाल पर, अब मेरे रुमाल पर। कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रुमाल पर। अब वो पीपल पूछता है तेरा साथी है कहाँ। कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रुमाल पर। अब वो पीपल पूछता है तेरा साथी है कहाँ। लिख दिया था तुमने मेरा नाम जिसकी छाल पर। अब वो पीपल पूछता है तेरा साथी है कहाँ। लिख दिया था तुमने मेरा नाम जिसकी छाल पर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चलते चलते एक गाने की 5 लाइन सुना देता हूँ। बॉलीवुड पे इल्ज़ाम ये है कि आजकल बॉलीवुड में तुकबंदी बहुत हो रही है, तो कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम हो। मैं भी कुछ 4-5 लाइन। फिल्म अक्टूबर आई थी, वरुण धवन थे उसमें, राहत फ़तेह अली खान ने मेरा गाना गाया था, तब भी तू मेरे संग रहना। उसकी कुछ लाइनें सुना देता हूँ। आदेश था इस लाइन का कि मेरी रूह करेगी फरियाद, मेरी रूह करेगी फरियाद, मेरी सांस कहीं खो जाएगी, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना। मेरी रूह करेगी फरियाद, मेरी सांस कहीं खो जाएगी, जब राख बनेगा ये सूरज और धूप धुआं हो जाएगी, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना। सजदे की तरह फिर पलके झुकी, फिर आंखें नमाजी हुई। सजदे की तरह फिर पलकें झुकी, फिर आंखें नमाजी हुई। तेरे जिक्र में थी कुछ ऐसी नमी, सूखी सांसें भी ताजी हुई। तेरे जिक्र में थी कुछ ऐसी नमी, सूखी सांसें भी ताजी हुई। जब उम्र की आवारा बारिश सब रंग मेरे धो जाएगी, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना। तावीज है मेरी मुट्ठी में, तावीज में है तस्वीर तेरी। तावीज है मेरी मुट्ठी में, तावीज में है तस्वीर तेरी। उलझी सी लकीरें हाथ में है, तू सुलझाए तकदीर मेरी। उलझी सी लकीरें हाथ में है, तू सुलझाए तकदीर मेरी। जब वक्त करेगा छल मुझसे, तकदीर खफा हो जाएगी, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे। बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें जिन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच एक तरह से पुल बनाते हुए फिल्म और इल्म दोनों जगह अपनी पहचान बना ली है। आलोक श्रीवास्तव। उर्दू का ये बावकार मुशायरा और उसकी निजामत श्वेता, मुझे लग रहा है कि पहला शेर मुझे आपकी तरफ से उन्हीं को नजर कर देना चाहिए। बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है। यहां नहीं, इसके बाद। बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है। लगता है इस लड़की को भी उर्दू आती है। बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है। लगता है इस लड़की को भी उर्दू आती है। तन्हाई में दिल से अक्सर खुशबू आती है। तन्हाई में दिल से अक्सर खुशबू आती है। याद हमें अम्मा आती है या तू आती है। मैं हर बरस आता हूं और 9 बरस आज तक मैं नौकरी कर कर गया हूं, तो कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ नया सुनाऊँ। लेकिन शम्स भाई एकदम अंधेरे में छुप कर बैठे हैं। एक हुक्म दे दिया है उन्होंने, उसको पूरा कर दूँ। फिर एक ताज़ा गज़ल अर्ज किया है कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे। एक तो ये टाइम क्लॉक चल रहा है, इसका बड़ा प्रेशर है। वैसे हिंदुस्तानी शायर हूँ, वक्त से नहीं डरता। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। बस तुझे उस नजर से देखा है,
ऐसा ऐसा कुछ मत कीजिए, मेरी 9 बरस तक बॉस रही है ये। बस तुझे उस नजर से देखा है, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर ना लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। और हिंदुस्तान की पूरी तहजीब और मेरे ये 2 मिसरे, अर्ज करता हूं कि वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी। पड़ोस में एक मुल्क है, मुसलसल हमारे साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं आप वाकिफ हैं। शेर सुनिए। बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। और एक ताजा गजल और आपसे इजाजत। अर्ज करता हूं कि बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम। अपनी समझ में आए, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस डाइस पर खड़े हैं जिस पर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब बैठे हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी तशरीफ फरमा हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं और चाहता हूं कि आपकी तरफ से वो आवाजें आए कि यह शेर सच्चा हो जाए। अर्ज करता हूं कि बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम। मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो, मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो। वाकिफ हैं खूब राह की बारीकियों से हम। मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो, वाकिफ हैं खूब राह की बारीकियों से हम। जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं। बेटियों के लिए एक शेर पढ़ रहा हूं। जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, बचपन उधार लाए हैं उन तितलियों से हम। जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, बचपन उधार लाए हैं उन तितलियों से हम। अब तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, ये शेर शादीशुदा लोगों के काम आ सकता है। अब तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, तंग आ गए हैं रोज की नजदीकियों से हम। अब तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, तंग आ गए हैं रोज की नजदीकियों से हम। गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, पर्दे हटाएं देखें उन्हें खिड़कियों से हम। गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो। ये शेर अच्छा था, आपकी दाद अच्छी नहीं आई। अब शेर पढ़ रहा हूं उस पर दाद दीजिएगा। गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, पर्दे हटाएं देखें उन्हें खिड़कियों से हम। जब भी कहा कि याद हमारी कहां उन्हें, जब भी कहा कि याद हमारी कहां उन्हें, पकड़े गए हैं ठीक तभी हिचकियों से हम। अच्छा, समय की कमी में ऐसा होता है जैसे कि एक्सप्रेस मुशायरा चल रहा है। कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी। जिनके नाम से ये शेर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा और जो खुद आधी दुनिया का सफर तय कर चुके हैं। बस नाम लूंगी और तालियां आएंगी उधर से। मंजर भोपाली जी, थैंक यू।
हजरात, एक शेर पहले मैं आपकी खिस्मत में पेश कर रहा हूँ समात फरमाई का। चलिए कोई बात नहीं, समात फरमाई का। खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने, खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने, फिर गले मिलके मेरी उम्र बढ़ा दी उसने। खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने, फिर गले मिलके मेरी उम्र बढ़ा दी उसने। शेर देखिएगा, बेवफा कौन है मैं पूछ रहा था उसे, बेवफा कौन है मैं पूछ रहा था उसे, बेवफा कौन है मैं पूछ रहा था उसे, वो हंसा फिर मेरी तस्वीर दिखा दी उसने। खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने। और शेर देखिए हजरात, बेवफा कौन है मैं पूछ रहा था उसे, वो हंसा फिर मेरी तस्वीर दिखा दी उसने। लोग ताबीरें बहुत मांग रहे थे उसे, लोग ताबीरें बहुत मांग रहे थे उसे, लोग ताबीरें बहुत मांग रहे थे उसे, इसलिए ख्वाबों पे पाबंदी लगा दी उसने, इसलिए ख्वाबों पे पाबंदी लगा दी उसने। दुश्मनी उसकी तबीयत में रची है मंजर। शेर देखिएगा, दुश्मनी उसकी तबीयत में रची है मंजर, दुश्मनी उसकी तबीयत में रची है मंजर, कोई चिंगारी जहाँ देखी हवा दी उसने, कोई चिंगारी जहाँ देखी हवा दी उसने। हजरत, एक दो तीन शेर फिर छोटी सी गजल पेश करके इजाजत चाहूंगा, समाप्त होएगा। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, गजल देखिएगा, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। हजार शेर देखिएगा, शायद किसी लायक हो। वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों ना फख्र करें, वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों ना फख्र करें, अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं, अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिए, ये आज तक के इस प्रोग्राम में, इस मुशायरे में पढ़ रहा हूँ, समात फरमाइएगा। आप सबकी नज़रें
अब उनके पास कोई आ ही ना तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। तीन चार शेर की एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, जब मैं वो तो बहुत सुना चुका मैं, ये गज़ल के दो तीन शेर समाप्त होगा शायद किस लायक हों। मतला समाथन माए, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे, दोस्तों के करम याद आने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे, शुक्र है उनका दामन मयसर हुआ, शुक्र है उनका दामन मयसर हुआ, बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा कि मुझसे मोहब्बत क्या, मैंने पूछा कि मुझसे मोहब्बत क्या, वो गजल मुझको मेरी सुनाने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे। रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, ख्वाब भी आज कल दिन में आने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे। एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, और मनाने में हमको जमाने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे। और शेर देखें हजरात, उनसे पूछा जो कल जिंदगी का पता, उनसे पूछा जो कल जिंदगी का पता, तोड़ कर फूल मुझको दिखाने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे। और आखिरी शेर जिस पे बहुत से लोग अभी कत्ल हुए, समाप्त नहीं गई शेर, मैंने इजहारे उल्फत किया था फकत, मैंने इजहारे उल्फत किया था मगर, मैंने इजहारे उल्फत किया था मगर, वो तो मीटू से मुझको डराने लगे, रोते रोते जो। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हजरात। हजरात ये मुझे वक्त इतना कम है कि जी मैं वही पेश कर देता हूँ। समाप्त मईगा एक दो शेर और पेश करके फिर वो गीत पे का हुक्म है वो पेश कर देता हूँ समाथन मईगा। देखिए गजल के दो तीन शेर हैं समाथन मईगा। वो कहीं तो मिले वो कभी तो मिले, वो कहीं तो मिले वो कभी तो मिले, ख्वाब में ही सही जिंदगी तो मिले, वो कहीं तो मिले वो कभी तो मिले, दिल में आने की हसरत बहुत दिन से है, दिल में आने की हसरत बहुत दिन से है, कुछ इजाजत मगर आपकी तो मिले, वो कहीं तो मिले वो कभी तो मिले। और ये नौजवानों की नजर है समाप्त मईगा। जिंदगी काट देंगे गली में तेरी, जिंदगी काट देंगे गली में तेरी, जाने मन हमको तेरी गली तो मिले, वो कहीं तो मिले वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले वो कहीं तो मिले। शेर देखिएगा हज़रात। हम भी कह देंगे घर में बहार आई है, हम भी कह देंगे घर में बहार आई है, कोई डाली चमन में हरी तो मिले, वो कहीं तो मिले वो कहीं तो मिले। और आखिरी शेर ही आपकी नज़र है हज़रात। मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, लिहाज़ा फरमाइएगा। मुझको रावण ही रावण मिले हैं मगर, मुझको रावण ही रावण मिले हैं मगर, जिंदगी में कभी राम भी तो मिले, मुझको रावण ही रावण मिले हैं मगर, जिंदगी में कभी राम भी तो मिले, मुझको रावण ही रावण मिले हैं मगर। एक गीत के लिए हुक्म है, दो बंद का हुक्म है, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ दो बंद पढ़ के। ये प्यार मेरा गीत बहुत पुराना है, मैं जब छोटा था उस ज़माने से सुनता आया हूँ कि गंगा सफाई अभियान चल रहा है। गंगा मेरे नज़दीक ना तो ताजमहल ना लाल किला, इनकी अज़मत इतनी नहीं है जितनी हमारी अज़मत, हमारे नज़दीक गंगा की अज़मत है। गंगा हमारी पहचान है, गंगा हमारी शनाख्त है। गंगा अगर साफ़ होगी तो हिंदुस्तान साफ़ हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि एक किनारे पे हमारे हिंदू भाई गंगा सफाई अभियान में लगे हुए हैं, अगर दूसरे किनारे पर मुसलमान भी जाके खड़े हो जाएं तो शायद बहुत जल्दी गंगा साफ़ हो जाएगी। मगर सियासत को शायद ये चीज़ें मंजूर नहीं हैं, वो हमें आवाज़ नहीं देती ना उसके करीब आने देती। मैंने एक गीत कहा है समाप्त रहेगा। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी,
प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। बंदे के द्रास तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये जमी तुम्हारी है, ये जमी हमारी है, होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी, इस जमी पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। हजरत ये बंद देखिएगा शायद किस लायक हो। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का ये बंद देखिएगा शायद किस लायक हो। देखिए हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में रहते हैं, सरहद के उस पार एक कदम रख देते हैं तो हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप में होती है। मेरा ये गीत देखिएगा बंद देखिएगा। कश्मीर वाले हूँ, दिल्ली के जियाले हूँ, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हो गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का आखिरी बंद है, इसमें एक शब्द आ रहा है आफ्ताब, आफ्ताब माने सूरज और महताब माने चांद, समाप्त मईगा। देखिए बहुत ही मेरा मानना ये है कि बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी हैं जिसका हम बंटवारा कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि पूरी शक्ति पूरा जीवन लगा दें उसमें से किसी चीज़ का बंटवारा नहीं कर सकते, वो सबके लिए हैं, समाप्त मई। आफ्ताब किसका है, महताब किसका है, महताब सबका है, आफताब सबका है, ये हवाएं किसकी हैं, ये घटाएं किसकी हैं, ये घटाएं सबकी हैं, ये हवाएं सबकी हैं, किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के। बहुत प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। और अब वो शायर जो गंगा जमनी तहजीब के बड़े नाम माने जाते हैं, जिन्होंने लिखा कि हिंदू मुस्लिम जो लिखा हो माथे पर मगर आपके सीने पर हिंदुस्तान होना चाहिए। शिक्षाविद भी हैं, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं नवाज देवबंदी साहब। कौन है भाई इसका जिम्मेदार?
कोई नहीं है, चलो ऐसे ही काम चला लेंगे। अच्छा, इस भीड़ में वैसे कोई साहब तो होंगे जिम्मेदार, ऐसा तो नहीं होगा? यहाँ आइए, स्टेज पे आइए दौड़ के। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, इस भीड़ में नौजवान कितने हैं? अच्छा देखो, इस सवाल से बच्चों एक फायदा है कि 16 साल से लेके 26 साल के आदमी तो हाथ उठाते ही हैं, लेकिन 66 साल से लेके 76 साल वाले भी हाथ उठा देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। एक बड़ी मजबूरी क्या है कि 10 मिनट में मुझे मोहब्बत की 100 खबरें सुनानी है। अब आप जुड़े रहेंगे तो सही खबर आएगी। बात शुरू करें? शुरू करने के लिए बताइए क्या करना पड़ता है आपको। जीते रहिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए। आइए बात यहां से शुरू करते हैं कि तू ही बता हमें दिले बर्बाद, तू ही बता हमें दिले बर्बाद, क्या करें उसको करें ना याद, तो फिर याद क्या करें। तू ही बता हमें दिले बर्बाद, क्या करें उसको करें ना याद, तो फिर याद क्या करें। तुझे याद करने के शौक में, तुझे याद करने के शौक में। अच्छा देखिए, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा कि मैं फला को शेर नजर कर रहा हूं। वजह क्या है कि आप अपने अपने हिसाब से नजर करते रहिएगा सबको। कि तुझे याद करने के शौक में, तुझे याद करने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। अब दूसरे लाइन पे तैयार रहिएगा कि तुझे याद करने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने, सो उसे तेरा नाम बता दिया। मेरा 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 नाम पूछा किसी ने, तो उसे तेरा नाम बता दिया, उसे तेरा नाम बता दिया। मैं चिराग था तू चिराग था, मगर अपना अपना नसीब है। मैं चिराग था तू चिराग था, मगर अपना अपना नसीब है। तुझे आंधियों ने जला दिया, मुझे आंधियों ने बुझा दिया। तुझे आंधियों ने जला दिया, मुझे आंधियों ने बुझा दिया। जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे। जफा का मतलब क्या है? वफा का अपोजिट। कि जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। तालिये चौथी लाइन के लिए बचा के रखें। कि जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने 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 हिसाब में लिखे। और सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। एक लाइन के लिए तीन लाइनें सुनाता हूं, मुलाजा फरमाए। कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या शम्स भाई? कहानी भी हकीकत हो गई क्या? कहानी भी हकीकत हो गई क्या? मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? तीन लाइन तक खामोश रहिएगा, चौथी लाइन पे जिंदा हो जाइएगा। कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या? मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या? और शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? और फिर शेर अर्ज करता हूं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत, जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा। जल्दी ना कहिए, जल्दी नहीं, जरा भी। हाँ, दूसरी लाइन आने दीजिए। देखिए कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा।
जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आई ना फिर उसने नए अंदाज से देखा। और एक शेर और अर्ज करता हूं कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। एक शेर अर्ज करता हूं कि देखकर सोचा तो पाया फासला ही फासला, देखकर सोचा तो पाया फासला ही फासला, सोच कर देखा तो तुम मेरे बहुत नजदीक थे, सोच कर देखा तो तुम मेरे बहुत नजदीक थे। अपने अपने बीमार के जीने की दुआ कर जाओ, अपने बीमार के जीने की दुआ कर जाओ, जख्म दिल भर गया आ जाओ हरा कर जाओ, जख्म दिल भर गया आ जाओ हरा कर जाओ। जख्म, मैं चंद लफ्जों से एक तस्वीर बनाता हूं, एक पेंटिंग बनाता हूं शब्दों से, अगर आपको अच्छी लगे तो जिंदगी का सबूत दीजिएगा। शेर अर्ज करता हूं, रक्स कहते हैं नृत्य को, डांस को। शेर देखिए कि समंदर की तरह जोशे जवानी रक्स करता है, समंदर की तरह, तैयार है ना सब लोग, कि समंदर की तरह जोशे जवानी रक्स करता है, वो डाले पांव पानी में तो पानी रक्स करता है, वो डाले पांव पानी में तो पानी रक्स करता है, पानी रक्स करता है। वो लहराए जो आंचल को तो बादल झूम उठते हैं, वो लहराए जो आंचल को तो बादल झूम उठते हैं, वो जंगल से गुजर जाए तो जंगल झूम उठते हैं। अब तैयार रहिएगा कि जंगल झूम उठते हैं, उसे उसे छूने की ख्वाहिश में हवा थम थम के चलती है, उसे छूने की ख्वाहिश में हवा थम थम के चलती है, कोई छू ले अगर उसको तो उससे खूब जलती है, कोई छू ले अगर उसको तो उससे खूब जलती है। वो बैठे साए में, वो बैठे साए में तो धूप भी साए से जल जाए, वो बैठे साए में तो धूप भी साए से जल जाए, वो ठहरे धूप में तो धूप की फितरत बदल जाए। और दोस्तों और मेरे नौजवान बच्चों, शेर मुलाहजा करें, तैयार रहिएगा कि बैठे सदा कहते हैं आवाज को कि वो बैठे साए में तो धूप भी साए से जल जाए। अर्ज करता हूं कि नदी से, झील से, झरने से, दरिया से सदा आए, इस दूसरे मिसरे को साहित्य आज तक की नजर करता हूं कि नदी से, झील से, झरने से, दरिया से सदा आए, वो बारिश में अगर निकले तो बारिश को मजा आए, वो बारिश में अगर निकले तो बारिश को मजा आए। और नकाबे रुख उलट दे तो सहर नूरानी हो जाए, नकाबे रुख उलट दे तो सहर नूरानी हो जाए, दुपट्टा सर पे रख ले तो फजा रूहानी हो जाए, दुपट्टा सर पे रख ले तो फजा रूहानी हो जाए। एक गजल के चंद शेर और अर्ज करता हूं, मेरे पास वक्त है अभी। अर्ज किया है कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, नहीं नहीं एक और गजल सुनाता हूं कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, गिला कहते हैं शिकायत को, कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। अब तैयार रहिएगा, एक तोहफा देता हूं दो लाइनों का आपको, कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या, जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना, जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर
छन छन से गिरा क्या, और तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर कूचाए जाना से कोई जख्म मिला क्या, फिर कूचाए जाना से कोई जख्म मिला क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। फिर एक तोहफा देता हूं बच्चों कि तुमने सुना क्या, अना कहते हैं स्वाभिमान को, कि एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। सुना क्या कि छाले थे अना थी, कि वो गैरत थी कि क्या था। पहली रो में बैठे हुए लोगों को भी शरीक करता हूं कि जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। कि छाले थे अना थी, कि वो गैरत थी कि क्या था, जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। बहरहाल आखिरी खबर सुना के इजाजत चाहता हूं। बात मोहब्बत से शुरू हुई थी और मैंने कहा था कि 10 मिनट में मोहब्बत की 10 खबरें, यह खबर सबसे जरूरी है। शेर अर्ज करता हूं कि रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। और यह बहुत बड़ा स्टेज है, आज तक का यह मंच है, ये दुनिया के आखिरी आदमी तक बात पहुंचेगी। एक हिंदुस्तानी का जज्बा है और हिंदुस्तानियों को पेश करता हूं कि रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तुम सदा तो देते हो, हौसला नहीं देते। और मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। और रोशनी का कुछ ना कुछ, रोशनी का इम्कान कहते हैं संभावना को, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब आपसे रुखसती चाहता हूं इन चार लाइनों पर कि इम्कान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। अब आपके दिल से लेके अंतरात्मा तक दो मिसरे दो लाइनें छापता हूं कि इंसान होना चाहिए, कि हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर। साहित्य आज तक के इस मुशायरे में इस आखिरी लाइन पर मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा, जितनी मोहब्बत जितना आपने प्यार दिया है, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, कि हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने पे हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह। और अब एक नाराज शायर, नाराज इसलिए क्योंकि आसपास अगर कुछ गलत होता देखते हैं तो अपने रास्ते पर नहीं निकल जाते ये सोच कर कि अरे कोई बात नहीं मैं क्यों फंसूं। नाराज इसीलिए क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी शायर की तरह आंखों में आंखें डालकर बताते हैं गलत कीजिए।
आज मेरा ख्याल है कि आज ही सदी हो गई मुझे शायरी पढ़ते पढ़ते, पहली मरतबा कुछ होमवर्क किया था, आएगी आवाज, जब मैं बोलूंगा तब आवाज आएगी। मैं ये कह रहा था कि आज मैंने 50 बरस के कैरियर में पहली मरतबा घर पे अपने होटल के कमरे में बैठकर होमवर्क किया था कि बहुत ही महज़ब शरीफ और नेक पढ़े लिखे सच्चे शुरफाए दहली सामने होंगे, तो अब मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, लेकिन जो हालात मैंने देखे तो मैंने कागज़ जेब में रख लिया, अब वही सुनाऊंगा जो सुनाया जा रहा है। श्वेता ने सर्दी के मौसम से बात शुरू की थी आज के मुशायरे, ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अब दिल्ली की तरह शेर सुन के बताइएगा, वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता। मैं खुद ही जवाब देता हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आया, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मेरा जमीर, मैं किसी भी लफ्ज के माने नहीं बताऊंगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं आपको मशहूर और मैं तालियां बजाने के लिए भी नहीं कहूंगा, आप लोग कोई ताली बजाने वाले थोड़ी हैं साहब, मैं कह रहा हूं कि मेरा जमीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, मेरा जमीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। सुना के बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, जो मैंने लिखे थे ना शेर जो जेब में रख लिए, उसके दो चार शेर अगर ना सुनाऊंगा तो आपके साथ बेईमानी होगी, इसलिए जरा इंसाफ आप कर दिएगा, तालियां मत बजाइएगा और सीटी भी मत बजाइएगा। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, शराब खाने से निकलूं के चाय खाने से है, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, शराब खाने से निकलूं के चाय खाने से। साहब ये जिंदगी सवाल, देखिए सर मेरे हाथ में भी घड़ी है और ये सामने भी घड़ी दिख रही है, हाथ की घड़ी से मैं काम नहीं करूंगा, वो सामने जो दिख रही है
उससे करूँगा, ईमानदार और शरीफ नेक आदमी हूँ इसलिए। यह जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। साहब इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे, इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। साहब सच्चा शेर पढ़ता हूं कि सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली खिताब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। सुखनवरों ने खुद बना दिया। अब एक आध मिनट कहे की गुंजाइश है मेरे पास, वो भी बेईमानी के नहीं ईमानदारी के, तो एक दो तीन शेर और सुन लीजिए। जरा सी दाद क्या मिली, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार, बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। दिल्ली में अगर अच्छा शेर नहीं सुनाया जाए तो नाइंसाफ़ी होती है, और अच्छे शेर को अच्छे तरीके से ना सुना जाए तो भी नाइंसाफ़ी होती है। एक शेर पढ़ता हूँ। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। देखिए गजल का शेर सुना रहा हूँ कि हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। वापसी हो रही है शेर के साथ मेरी। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा कहा जाता है ना, दिल नहीं भरा। यहाँ पर तो सचमुच में जितना जितना सुनने को मिल रहा है, जितना जितना सबके हिस्से आ रहा है, उससे सचमुच दिल नहीं भर रहा, लेकिन समय का पैमाना भर जा रहा है हर बार। अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जिन्होंने लिखा, जहां रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा। किसी किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, लेकिन आज वो रोशनी हमारे हिस्से आई है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, आज तक को मुबारकबाद।
खूबसूरत मुशायरे की महफिल सजाने के लिए। आप लोगों का मूड देखते हुए दो तीन शेर पहले पढ़ता हूँ और उसका रद्दअमल तलाश करने की कोशिश करता हूँ। शेर यूँ है कि तुम मुझे देखना छोड़ो, माफ़ कीजिएगा, मैं दूसरा शेर पढ़ देता हूँ। मुलायम सुनाइए कि तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, मगर ज़माना तुम्हें अब भी मुझ में ढूंढता है। तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, मगर ज़माना तुम्हें अब भी मुझ में। शेर सुनिए कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। नहीं, ये ना कीजिए, बड़ी महज़ब महफिल है, यह काम किसी और जगह के लिए बचा के रखिए। शायरी को शायरी की तरह आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये शेर पढ़े, आइए कुछ नए शेर सुनाता हूँ। मतलब सुनिए कि जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जिस हद तक भी मेरा साथ दे पा रहे हैं, चीख पुकार चाहिए भी नहीं है। इसी तरह सुनिए जैसे शायरी सुनी जाती है कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। और घर घर की कहानी बयान करता हूँ, देखिए कि ये हमारा दाम्पत्य जीवन जो है, इसमें अगर तनाव होता है तो बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ता है। मैं इसको गज़ल बनाने की कोशिश करता हूँ कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, लौटाइए शेर तो आगे बात बढ़ेगी, चंद ही मिनट हैं, कि जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहला। बिल्कुल ताज़ा कुछ शेर सुनाता हूँ जो किसी भी ज़रिए से आप तक ना पहुँचे हों। यह आज का तहजीबी दर्द है, हम लोग इस वक्त इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। एक शायर का दर्द सुनिए, पूरा इज्तमाही दर्द है इसका, तहजीबी मुलाहज़ा कीजिए कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। मुलाहज़ा कीजिएगा, सुनिए श्वेता जी, आप ख़ास तरीके से सुनिए कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे। बहुत शुक्रिया। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे। और मुलाहिज़ा फरमाइए कि खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव राहत शेर सुनो कि पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। लौटना चाहिए, इस आज तक की महफिल है। मुलाहिज़ा फरमाइए कि खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, पाँव से अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता। भाई आपने इतने अच्छा, इतने अच्छे तरीके से खाकसार के शेर सुन लिए, तो आइए और दो नए शेर पढ़ाने सुनाने की हिम्मत करता हूँ।
ये भी मुलाहजा फरमाएं। पेश करता हूँ कि हवा से, हवा के सामने, इसमें सीना सिपर माफ़ कीजिएगा बताना ज़रूरी है, सीना तान के खड़ा हो जाना, हवा के सामने सीना सिपर तो होता है। मैं क्या बयान कर गया हूँ ये सारे अहले कलम महसूस करेंगे, मीडिया के लोग महसूस करेंगे, अखबार के लोग महसूस करेंगे, क्या कहना चाहता हूँ, क्या कह गया हूँ मुलाहजा कीजिए। हवा के सामने कहाँ है, क्या हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है, हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है, मगर चिराग है बुझने का डर तो रहता है। जिंदाबाद, क्या महफिल है, मुबारकबाद। कि हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है, मगर चिराग है बुझने का डर तो रहता है। बहुत अच्छी तरह सुन लिया आपने ये शेर, बहुत शुक्रिया। कुछ शेर और मुलाहजा फरमाइए। मतला पेश करता हूँ कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। बच्चों सुनो, तुम्हारे लिए हौसला लाया हूँ शायरी के जरिए, पेश करता हूँ। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। अब एक शेर और कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। ये शेर अहले नज़र की नज़र है, बच्चों सुन लो ये शेर, आप भी कभी आगे चलकर इसके मानी और बेहतर समझ में आएंगे। पेश करता हूँ। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। दिल्ली वालों, शायरी के हवाले से आप तक पहुँचता हूँ कि हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। आखिरी शेर इस खूबसूरत महफिल की नज़र करता हूँ, मुलाहजा फरमाइए कि दुनिया समझ में आई मगर आई देर से। क्या कहने, दिल्ली मिसरा उठाया आपने, खुशी हुई कि दुनिया समझ में आई मगर आई देर से। अरे कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता। कितना टाइम हो रहा है, हैं 3-4 मिनट, तो आइए एक और ताज़ा गज़ल मुलाहजा फरमाइए। पेश करता हूँ आप ही के ख्वाब आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाहजा कीजिए कि कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, कहाँ। मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, आपका दर्द बयान करूँगा, इस दर्द में आप कितनी शिरकत कर पाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी। मतला सुनिए कि कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, हम अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं। कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, हम अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं, और हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही से पानी का
सारा हिसाब मांगते हैं। मैं गीता, मुकद्दस गीता के कर्म के फलसफे को दो मित्रों में समेटने की कोशिश करता हूं। आप बताइए कि मेरी बात आप तक पहुंची। मुलाजा फरमाइए कि हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है। अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है, जो कांटे वो के जमी से गुलाब मांगते हैं। अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है, जो कांटे बो के जमी से गुलाब मांगते हैं। और श्वेता जी, आपने बड़ी, यानी कहना चाहिए, हिम्मत और हौसले से मुशायरे की निजामत की है, क्योंकि आप शौरा से भी वाकई में पढ़ती भी रहती हैं। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ गज़ल के हवाले से, और गज़ल की तरफ से खिदमत में आपकी पेश करना चाहता हूँ। औरत के एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बात चल रही है, आइए, सदियाँ उस एहसास को समेटती हैं दो पंक्तियों के जरिए, दो मिसरों के जरिए। नजर है आपकी महफिल की, मुलाजा कीजिए कि हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते, अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है, जो कांटे बो के जमी से गुलाब मांगते हैं। अरे गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी, कहाँ है शम साहब, सुनिए शेर के, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी, वरना, याद रखना दिल्ली वालों, शेर पेश करता हूं कि गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी, वरना कहां ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी, वरना नवाज़े, बहुत नवाज़े। गुनाहगार तो बड़ी अच्छी वो महफिल लगती है, बड़ी अच्छी वो जगह लगती है, जहाँ सोना सोने के भाव बिक जाता है। मुबारकबाद है आप लोग, अच्छी शायरी को मोहब्बत से सुना आपने, जिम्मेदारी के साथ सुना। पेश करता हूँ कि कहाँ ये फूल थे, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। और बड़ी तादाद है मेरे बच्चों की, मैं उनका मुकदमा बड़ों की अदालत में पहुंचाता हूं इस शेर के जरिए। आखिरी शेर मेरी हाजिरी का, मुलाजा कीजिए कि कहाँ ये फूल से, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। बहल न पाएंगे बातों से आज के बच्चे, बच्चों तुम्हारा शेर, बहल न पाएंगे बातों से आज के बच्चे, ये हर सवाल का अपने जवाब मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना अच्छा सुनने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे मंच को रोशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूंगी कि मुशायरे की जो ये महफिल यहाँ पर लगी, एक बार एक स्टैंडिंग ओवेशन आप हमारे सभी मेहमानों को जरूर यहाँ पर दें, क्योंकि पहले साहित्य आज तक से लेकर आज जब हम तीसरे एडिशन तक पहुंचे हैं, तो हमेशा आपने इसी तरह से इस महफिल को गुलजार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का यहाँ पर आने के लिए। बस सर, मैं ठीक। जी जी सर, बहुत अच्छा रहा, आपने शो देखा, आपको पसंद आया।
मुशायरे का आप सभी ने आनंद लिया, लेकिन अब जो हमारे आखिरी दिन का आखिरी परफॉर्मेंस है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम आधे घंटे से 45 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, जिसके लिए हम स्टेज की तैयारी कर लें और उसके साथ ही यहाँ पर म्यूजिक अपना सेटअप कर लें। तब तक आप सभी जो हमारे बाकी स्टेज हैं, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, वहाँ पर जाकर कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। और अगर भूख लगी हो तो खाने पीने के लिए पुरानी दिल्ली का खाना आपके लिए मौजूद है, आप फूड स्टॉल्स का भी रुख कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे फिर यहाँ पर आधे घंटे से 45 मिनट के समय के बाद।